जो ऐसी की बसेस होती थी, हम इंग्लैंड वगैरह में देखते थे, फॉरेन कंट्रीज में जो मूवीज शूट होती थी वहाँ पे। It took us 2 years, सारा परमिशन एज बस ली फ्रॉम डिफरेंट महकमास। वन ईयर के अराउंड इसकी प्राइसिंग चली गई है। अब जान काट ली बमाना सानू चीज चीनी वाला पिज्जा खवा के। तो दोस्तों, खाया होगा ट्रेन में, खाया होगा प्लेन में, आज खिलाते हैं बस में। और भाई साहब, छोटी मोटी बस नहीं, करोड़ों की बस, पूछो कैसे। वो कैसे भाजी, इसको तैयार करने में करोड़ों रुपया लग गया। और अंदर चलते हैं, जो फूड है ना वो भी भाई साहब 5-star वाला, करोड़ों वाला। अच्छा भाजी, मैं कहता हूँ रिच फूड, मजा आएगा। मैं खा चुका हूँ भाजी की वीडियो में, आप देखो इनके साथ आओ फूड टूर में। आप जो ये बस देख रहे हैं मेरे पीछे, आपको लग रहा होगा कि कोई ऑर्डिनरी बस है, पर ये कोई नॉर्मल बस नहीं है। ये डबल डेकर मोबाइल रेस्टोरेंट है, जो की वर्ल्ड की पहली कन्वर्टेबल बस है। ये बेसिकली जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016 में, यूके गए थे, ये कॉन्सेप्ट देखा था, फूड ट्रक्स देखे थे, फूड बसेस देखी थी, पर उस टाइम आइडिया नहीं था कि इसको बनाएंगे कैसे, इंडिया में कैसे लाएंगे। तो काफी फैसिनेट हुए थे, मन बहुत था, इच्छा बहुत थी कि ये हमारे पंजाब में भी हो, हमारे जलंधर में भी ऐसी चीज आए। पर उस टाइम पता नहीं था कि कैसे जाना है, हाउ टू गो अबाउट ऑल दिस। जब ये 2020 में हमने शुरू किया तो पता लगा कि इसके लिए 17 लीगल परमिशंस लेनी पड़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट से। 2 साल लगे हमें परमिशंस लेने में, और 1.5 ईयर लगा, 1.5 साल लगा हमें इसको कंस्ट्रक्ट करने में। ये वर्ल्ड का पहला कन्वर्टेबल रेस्टोरेंट है, इसका नीचे पूरा किचन है और ऊपर 30 लोगों की सिटिंग है। जो नॉर्मली जो इसकी छत है वो डिट्रैक्ट हो जाती है, और आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। और जब उसके बाद किसी ने डाइन इन करना है, खाना है, तब इसकी छत खुल जाती है। कोई भी पार्टीज हो, बुकिंग्स हो, केटरिंग्स हो, मैरिजेस हो, हम वहाँ पे भी ये बस ले जा सकते हैं। तो ये मोबाइल मूवेबल रेस्टोरेंट है, एज इट इज पूरा रेस्टोरेंट हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमने यूके में एक देखा था जिसकी छत खुलती थी, बट वो ऊपर से कवर्ड नहीं थी, एयर कंडीशन नहीं था, ओपन थी उसकी साइड। तो हमारे माइंड में ये था, हमने कहा जैसा हमारा वेदर है उसके हिसाब से हम क्या बेस्ट लोगों को दे सकते हैं। तो हमने ये आइडिया डेवलप किया, और हमने सोचा हम इसको टोटली ग्लास कवर्ड रखेंगे और फुली एयर कंडीशन रखेंगे। तो जब हमने शुरू किया इसको बनाना, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इतने नहीं इनटू कंसीडरेशन लिए थे, पर जब धीरे धीरे हमें पता लगा कि इतना कॉस्ट होगी, 1 ईयर के अराउंड इसकी प्राइसिंग चली गई है अब फिलहाल। तो जैसे आप देख सकते हैं सामने जैक लगा हुआ है, ऐसे 4 जैक लगे हैं टोटल इस बस को स्टेबल करने के लिए। लोगों का यही डाउट था कि चलते चलते बस में ब्रेक लगेगी, कुछ गिर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सिर्फ जब स्टेबल होती है तभी हम डाइन इन रखते हैं, और इसकी लोकेशन चेंज करके हम ऐसे जैक लगा के इसको फिर स्टेबल कर देते हैं। तो वेलकम है आपका, आओ आपको अंदर से बस दिखाते हैं। ये हमारा किचन एरिया है बस का, मेन किचन ये है, और आप जैसे साइड में देख सकते हैं प्रॉपर ग्लास व्यू है, ऐसे लगता है हम किसी बाहर जगह पे आ गए हैं। तो इसको खूबसूरत बनाने में अंदर इंटीरियर में इनका हाथ है। हेलो जी, माय नेम इज जैस्मिन, ऑल्दो आई एम नॉट एन इंटीरियर डिजाइनर, बट एक वुमेन को हमेशा शौक होता है अपना घर सजाने का, सो बेसिकली दिस इज माय होम ओनली। एंड आप देख सकते हो, इवन द क्रॉकरी एंड द मिनिमल जो भी डिजाइन है, वी हैव पुट सो मच एफर्ट इन इट। नॉर्मली आप क्या करोगे कि यार टाइम नहीं है, बिजनेस खुलने वाला है, बट वी वर लाइक नहीं, इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। फाइन डाइन फील इन अ बस जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यू कैन सी छोटे छोटे टिट्स एंड बिट्स वी हैव ब्रॉट टुगेदर। आप पीछे देख सकते हो फ्लावर्स, बेसिकली वो एक डिजाइन नहीं है, ये हमारी पाइप है जो एसी के हमने छुपाई है विद फ्लावर्स, थोड़ा सा दिमाग लगा के छुपा दिया, एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। इट टुक अस 2 years, सारा परमिशंस एज बस ले फ्रॉम डिफरेंट महकमास, एंड उसके बाद सानू 1.6 months लग गए टू कंस्ट्रक्ट इट। बिल्कुल बेस तो खुद कंस्ट्रक्ट करवाई गई है, सारी डिजाइनिंग खुद की गई है। वी बॉट द चेसी, एंड उसके बाद उसके ऊपर हर डिजाइनिंग खुद, एवरी सिंगल डे फैक्ट्री च असीं खुद प्रेजेंट हुंदे सी टू सी कि केड़ा कलर की कॉम्बीनेशंस की डिजाइनिंग दिती जावे, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इवन फॉर द मेकर्स एंड इवन फॉर अस। वर्ल्ड का पहला कन्वर्टेबल बस है, सो जस्ट टू कन्वर्ट इट, इट टुक एवरीथिंग फ्रॉम अस। सो एज यू कैन सी पूरा ग्लास हाउस इफेक्ट है यहाँ पे, लेकिन अगर आपको अपनी प्रिवेसी चाहिए तो हमारे पास ब्लाइंड है, फुल ब्लैकआउट ब्लाइंड, आपको आपकी प्रिवेसी भी पूरी मिलेगी, इट गोज पूरा नीचे तक। सो हम इसको पूरा नीचे तक कर सकते हैं, सो यू गेट योर प्रिवेसी एट मैक्स। एज यू कैन सी हमारा मेन्यू काफी यूनिकली डिजाइन किया गया है, आपको जिस भी चीज के सेक्शन में जाना है यू कैन इजिली गो। बर्गर्स यू सी इट है, पिज्जाज यू सी इट है, एवरीथिंग केयरफुली डिजाइंड मेन्यू है शेफ साहब फ्रॉम दिल्ली एंड बैंगलोर। और हमारे जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, आई वोंट लाई, जलंधर में मिलने मुश्किल हो पा रहे हैं बिकॉज नोबडी इज यूजिंग दैट, और हम लोग इसको दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना से प्रोक्योर कर रहे हैं, सो यू विल फाइंड द डिफरेंस इन द टेस्ट। अब हम आपको
आपको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं. सो लेट्स गो डाउन. फुली इक्विप्ड किचन है मल्टी क्विजीन के लिए. एवरीथिंग इज केटर्ड. इधर हमारा चाइनीज सेक्शन है, उधर हमारा कॉन्टी सेक्शन है, ओरिएंटल, लिटिल बिट ऑफ मैक्सिकन एंड इटालियन. वी हैव एवरीथिंग एंड आप देख सकते हो बिकॉज इट्स अ लाइव किचन, सो क्लीनलीनेस का एंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है. इट विल बी अ डिलाइट फॉर योर टमी. शेफ्स हमारे दिल्ली एंड बैंगलोर से हैं एंड हमारा मेन्यू काफ़ी सोच समझ के डिसाइड किया गया है. इंग्लिश कॉन्सेप्ट में भी हम लेके गए हैं उसको एंड पूरी कोशिश की गई है कि आपके लिए बेस्ट इन द टाउन लेके आए. आपको हमारी बहुत डिशेज ऐसी मिलेंगी जो कि टाउन में सर्व नहीं हो रही हैं. दिस इज़ अ चाइनीज रेंज और अभी चीज़ चिली बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो. दिस इज़ अ फ्राइड सेक्शन, आप देख सकते हो. वी क्लीन द ऑयल एवरी डे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है. स्पाइसी चिली पनीर पिज्ज़ा एंड फॉरेस्ट मशरूम, जिसमें हम लोग 3 टाइप्स ऑफ मशरूम यूज़ कर रहे हैं. This is the preparation going on for a full jackfruit burger with fries we serve it. So काफ़ी ये एक यूनिक चीज़ है. फुल जैकफ्रूट बेसिकली जो कटहल होता है, हम लोग को वैसे खाने में बहुत और लगता है बट बर्गर में इट्स रियली डिलीशियस. यस यस, बर्गर में हमने जैकफ्रूट इंट्रोड्यूस किया है तो जो बच्चों को कुछ हेल्दी भी मिलेगा. इवन इफ यू आर ईटिंग जंक, आपको हेल्दी भी मिलेगा और हमारे इन्ग्रीडियंट्स बिल्कुल फ्रेश बनते हैं. तो जंक तो मैं चलो नहीं कहूँगी. तो भाई साहब हमारा ऑर्डर लगकर आ चुका है और ये रहने वाला है चीज चिली पिज्जा. चेक करना चीज पुल. ओहो भाई साहब ये चेक करना जी, मतलब अल्टीमेट चीज पुल रहने वाला है. तो चीज चिली के तो पंजाबी दीवाने पर इन्होंने चीज चिली वाला पिज्जा निकाल दिया, मतलब अल्टीमेट काम कर दिया. ये तारे हैं ना, दिल की तारे हैं, आपके साथ जोड़ती हैं और मतलब इधर का प्यार उधर तक बांटती हैं. सिर्फ पिक्चर्स में देखा था कनाडा वगैरह में ऐसे बसेस होती थी, फूड बसेस. हमने इंडिया में पहली बार देखा है और अपने शहर जलंधर में तो पहली बार ही देखा है. तो हम बहुत खुश है, व्यू बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अच्छी है. तो भाई साहब प्रेजेंटेशन की बात करूँ, बढ़िया सी प्रेजेंटेशन रहने वाली है. और साइड में देखो एकदम थिन क्रस्ट पिज्जा है, तो एकदम पतला सा पिज्जा रहने वाला है और चीज की आपको बारिश कम मिलेगी, मतलब चीज इधर कम डाला जाता है. और भाई साहब तुलसी का पत्ता भी दे दिया, मतलब फॉरेनर और पंजाब का तड़का बढ़िया से लगा दिया गया. और हम ट्राई करते हैं और बताते हैं भाई. अभी एक और बाइट बनती क्योंकि इस बार ना पनीर का पीस भी लेंगे, पिछली बार पनीर का पीस आया नहीं है. भाई साहब ये तो जन्नत है, जन्नत के नजारे. ऊपर से भी ऊपर जान काट ली बमाना सानू चीज चिली वाला पिज्जा खुआ के. भाई साहब चीज चिली का कॉम्बिनेशन पिज्जे का साथ अल्टीमेट वाला, भाई साहब कुछ नेक्स्ट लेवल है. मतलब फोनर और पंजाबी तड़का अल्टीमेट लगा दिया गया. तीनों यहाँ पे पहली बार आया है एंड ऑनेस्टली सब इतना ज्यादा अच्छा था, टेस्टी था. पास्ता में तो काफी ज्यादा मतलब एकदम स्मोकी टेस्ट है. सब बेस्ट पास्ता खाया है, अल्फ्रेडो पास्ता. और हमने ड्रिंक्स भी ऑर्डर की, ड्रिंक्स भी अच्छी थी. और मैं सबको कहना चाहूंगी कि यहाँ पे मस्ट विजिट करें. साथ ही में मतलब यहाँ पर आपको बढ़िया सा नजारा और साथ में ये खाना मिल जाए तो मतलब सोने पर सुहागा. और साथ में हमने ऑर्डर किए ये इनके हाका नूडल्स, बढ़िया सी लुक रहने वाली है. ओए होए होए क्या बात है. और इसमें कोई मसाले ज्यादा ऐड नहीं किए, अलग ही एक्सपीरियंस था. बस में बैठे हैं, ऊपर सारी वाइब दिख रही है, एक साइड से निकू पार्क और सारा बाहर से मॉडल टाउन दिख रहा है. और साथ में हमने कराया इनका स्पेशल चीज चिली बर्गर, चीज कोटे बर्गर कहते हैं, चीज चिली बर्गर कहते हैं. और भाई साहब चीज की पैटी है, मतलब खोल कर दिखाता हूँ आपको, ऐसे बात नहीं करते हैं. ये चेक करना जी, बढ़िया से चीज की पैटी है, मतलब चीज के ऊपर चीज की बारिश की गई है, मतलब चीज वाली लेयर लगाई गई है और नीचे कैबेज लगाई गई है बढ़िया से. और बर्गर की स्पेशल बात ये रहने वाली है कि जो बन है ये खुद तैयार करते हैं और ट्राई करते हैं और बताते हैं. भाई साहब पैटी एकदम क्रंची, पनीर अंदर से एकदम सॉफ्ट, मुंह में जाके घुल गया. जो ऊपर वाली ब्रेड है, जो बन है, इनका खुद का तैयार किया गया, मतलब अल्टीमेट भाई साहब मज़ा आ गया. और नाल फ्रेंच फ्राइज दी गई हैं. तो हाका नूडल की प्रेजेंटेशन बढ़िया सी है, मैं वेजिस बढ़िया भरपूर मात्रा में, ग्रीन येलो रेड मतलब हर तरह की कैप्सिकम डाली गई, मशरूम डाले गए हैं, बहुत कुछ डाला गया भाई साहब. तो प्लेट में डाल लिए, सर्व कर लिए और ट्राई करते हैं भाई साहब इसको. एकदम बढ़िया सा फ्लेवर है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, माइल्ड सा फ्लेवर है, मज़ा आ गया. और खाना बहुत ही अल्टीमेट है. एक बात है कि हल्का सा ऑर्डर डिलेड है क्योंकि क्या है कि ना नवा नवा काम खोला है तो नवे नवे काम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट ये है फूड एसी, आप आकर ट्राई कर सकते हो. तो भाई साहब खाने के साथ एम्बियंस भी बहुत बढ़िया है और थोड़ा हल्का सा ओवर प्राइस है पर ये कह सकते हो कि व्यू के साथ जस्टिफाइड है. और आप भी आकर जलंधर में मॉडल टाउन में गीता मंदिर के बिल्कुल सामने इनकी बस बढ़िया सी रहने वाली, आकर ट्राई कर सकते हो. और हम ऐसी बढ़िया बढ़िया फूड वीडियो लेकर आते रहेंगे. सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय सारे, प्यार भरी सत श्री अकाल.